अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और ऐसी ही ताज़ा खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल PRSTN News को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का PRSTN News में। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। श्रीलंका के दो राजदूत और मंत्री माता सीता हरण के बाद श्रीलंका में जिस स्थल पर रावण ने उन्हें रखा था उस अशोक वाटिका की शिलाएं लेकर अयोध्या पहुंचे। ये शिलाएं रामलला को समर्पित की जाएंगी। श्रीलंका के राजदूत, उपराजदूत और दो मंत्री गुरुवार को त्रेता युग में जिस स्थल पर रावण ने माता सीता को हरण के बाद जिस अशोक वाटिका में रखा था वहां की शिलाएं लेकर गुरुवार को अयोध्या पहुंचे। अशोक वाटिका की शिलाएं रामलला को समर्पित करने के साथ ही श्रीलंका उपराजदूत और दो मंत्री रामलला का दर्शन और आरती की। श्रीलंका के राजदूत और उपराजदूत और दो मंत्री दोपहर को राम जन्मभूमि परिसर में भगवान राम को श्रीलंका स्थित अशोक वाटिका की शिलाएं समर्पित की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य राजा अयोध्या की आवास राज सदन में श्रीलंका के राजदूतों और श्रीलंका सरकार के मंत्रियों का स्वागत किया। बताते चले कि भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, जिसके लिए बुनियाद भरी जा चुकी है और ऊपर मंदिर के बेस का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में श्रीलंका के दो राजदूत और मंत्री माता सीता हरण के बाद श्रीलंका में जिस स्थल पर रावण ने उन्हें रखा था उस अशोक वाटिका की शिलाएं लेकर अयोध्या पहुंचे। ये शिलाएं रामलला को समर्पित की जाएंगी। हालांकि अभी ट्रस्ट ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि शिलाओं का इस्तेमाल कहां होगा, लेकिन श्रीलंका से अयोध्या के आध्यात्मिक जुड़ाव जरूर होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए PRSTN News। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.prstnews.in।